जैसे कि हमारा प्लान था दोपहर के बाद अवनांग जाके रायले बीच जाने का, वहाँ से सिर्फ 15 मिनट लगता है बाई बोट। हम लोग ने लिया लॉन्ग टेल बोट, सिर्फ 200 बाट आने जाने का। वो आपको शाम तक 6-7 बजे तक आना पड़ेगा वापस। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो फिर आपको दूसरा बोट लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वापस आने के लिए। बोट में कुछ टूरिस्ट थे, उनको जाना था तोनसाई बीच। तोनसाई बीच रायले बीच से थोड़ा पहला पड़ता है। यहाँ पे देखिए नीला नीला पानी और लाइमस्टोन वाले पहाड़, बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तोनसाई बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट्स है पहाड़ के पास। ये बहुत क्वाइट जगह है, हॉलीडेज में यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा होगा। रायले बीच का सफर अभी हमारा बाकी है। हम लोग पहुंच गए रायले बीच। देखिए कितना सुंदर सा बीच है, कितना साफ है। ऐसा लगता है कि किसने यहाँ पे झाड़ू लगाया। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो बीच में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और सनबाथ ले रहे हैं। थाईलैंड में यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन बहुत सारे आते हैं घूमने सनबाथ के लिए, क्योंकि थाईलैंड में बहुत अच्छे से बीचेस हैं और यहाँ पे कोई किसी को तकलीफ नहीं करता। अपना हॉलीडे लोग आराम से थाईलैंड में बिताते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ इनको बहुत सेफ फील होता है। क्रमी में बहुत सारे टूरिस्ट जगह नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। अभी रायले बीच को भी ऐड किया हुआ है। रायले बीच में ड्रोन उड़ाना मना है क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसके लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन का यहाँ पे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। मेरे पास थाईलैंड का पायलट लाइसेंस है ड्रोन उड़ाने की, फिर भी यहाँ पे परमिशन लेना ज़रूरी है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नेशनल पार्क को मेंटेन करते हैं और उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है। ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत दूर चले गए। हमें तो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नज़र नहीं आए। हम लोग तो रायले वेस्ट में, हमें शायद रायले ईस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए बीच का नज़ारा कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि पैराडाइज है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे फिर वापस जाएंगे ईस्ट की तरफ। ढूंढते फाइनली हम पहुंच गए इंफॉर्मेशन सेंटर, जहां पे हमें पूछना है ड्रोन फ्लाइंग के बारे में। देव मावा लांग तम ขออนุญาตมาแล้วก็บินได้เลยขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยวอธิบายเราแล้วให้เขาฟรีที่นี่ด้วยขอบคุณมากนะพี่เจอกันใหม่ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับครับยังไงก็ पता चला ड्रोन का परमिशन इनसे नहीं, टूरिस्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड से लेना पड़ेगा, उनका जो ऑफिस बैंकॉक में है। हमें तो मालूम नहीं था, नहीं तो हम पहले से परमिशन लेके आते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ उसको चेक करते हैं कि परमिशन दिया है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ने प्लान चेंज किया, हम लोग जा रहे हैं डायमंड केव जो टूरिस्ट सेंटर के पास ही में। चलो देखते हैं डायमंड केव। थाई लैंग्वेज में केव को बोलते हैं थम थम प्रणांग नाई, यानी कि डायमंड केव। सो इसके अंदर जाने के लिए एंट्री फीस देना पड़ेगा, लेकिन हमें इसने फ्री दे दिया अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। अब देखिए इसके अंदर
अंधेरा है कम्प्लीटली। टूरिस्ट को अंदर आराम से जाने के लिए अच्छा सा रास्ता बनाया और लाइट्स भी लगे हुए हैं। जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आराम से जाने के लिए अच्छा सा रास्ता है। अंदर पूरा अंधेरा है, संभाल के जाना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पे लाल रंग के लाइट लगे हुए हैं, जिसमें से जो लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि अलग सा नज़रिया है। ऐसा लगता है किसी ने इसको बनाया, लेकिन ये पूरे की पूरा नेचुरल है, नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशन जो इस केव के अंदर है। अगर आप रायले बीच विजिट करते हो तो डायमंड केव ज़रूर जाएगा। हम लोग अभी यहाँ से एग्जिट करके बाहर जाएंगे, हमें तो रायले व्यू पॉइंट में जाना है, वो तो यहाँ के पास ही में है। चल के जाएंगे, फिर वहाँ जाके थोड़ा हाइकिंग करना पड़ेगा, माउंटेन को चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यू पॉइंट तो माउंटेन के ऊपर है और उसके पास एक लगून भी है, वो भी ज़रा जाके देखेंगे। हम लोग अभी रेल ईस्ट में, हमें जाना है व्यू पॉइंट की तरफ। व्यू पॉइंट ऊपर आप पहाड़ में ऊपर है, वहाँ तक हमें हाइकिंग करना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा। वहाँ से भी हम लोग ये नीचे दिखाएंगे आपको, ये बीच का यानी कि नीचे जो सैंड अभी देख रहे हो आप लोग कैसा दिखता है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, चलते चलते हम वहाँ तक जाएंगे अभी, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ से वहाँ का व्यू। अरे बाप रे, यहाँ से शुरू होता है व्यू पॉइंट का रास्ता, यानी कि रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा इन पत्थरों के साथ। आप देखिए सारा पत्थर है और एक रस्सी दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ के नीचे आके सारा पत्थर का जो शेप में, ये जो पत्थर जो है सारे नाइस हो गए सारे लोग ने पकड़ के। तो मैंने क्या किया, अभी दोनों हाथ से पत्थर को पकड़ के चढ़ना पड़ेगा और रस्सी भी पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने कैमरा को चेस्ट में माउंट किया, क्योंकि चढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। पता नहीं अभी हम लोग चढ़ना शुरू किया, अर्डिन तो ऊपर की तरफ है ऑलरेडी, वो मेरे से आगे चढ़ चुका है। अभी हम इस रस्सी के मदद से जाएंगे आस्ते आस्ते ऊपर तक जाना है अभी। अरे बाप रे, तो सारा पत्थर ही पत्थर है, पता नहीं अभी हम यहाँ पे चढ़ेंगे और पता नहीं कल हमारा हालत क्या होगी, हम चढ़ पाएंगे या फिर रुक पाएंगे नहीं, क्योंकि कभी में तो दूसरा जगह भी घूमना है। चलो फिर आप देखते जाइए, हम आपको दिखाएंगे, हम देखो हम कैसे चढ़ें। बहुत मुश्किल है इधर ये व्यू पॉइंट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रास्ता नहीं है, सारे लोग ऐसे रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं। तो हमने इस बार सोचा कि हम जाके ऊपर जाके देखेंगे, क्योंकि सारे लोग तो बोलते हैं तो व्यू पॉइंट तो बहुत सुंदर है, तो हमें भी देखना है कि असल में सुंदर है कि नहीं। चलो आस्ते आस्ते जाएंगे, बहुत मुश्किल रास्ता है और डेंजरस बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं लग गया आपको फिर आसपास में हॉस्पिटल भी तो नहीं है, बोट में जाके अवनंग में जाके जाना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर आपको नहीं होता है तो फिर आप इसको ट्राई करने के लिए मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि रास्ता सही नहीं है। तो बाकी सब ठीक है, अभी ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि इतना क्लाइंबिंग करने का वर्थ है कि नहीं, यानी व्यू पॉइंट वर्थ है ऊपर जाके देखने का, कुछ फ़ायदा हुआ क्या नहीं वो अभी देखना बाकी है। दोनों हाथ रस्सी पकड़ने में बिजी थे और बैग भी था पीछे कंधे पे, तो कैमरा का एंगल देखा नहीं। सारा रास्ता हम चढ़ रहे थे, कैमरा जो है उसका एंगल जो है नीचे फेस कर रहा था, तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया कि रास्ता कैसा था चढ़ने का। सिर्फ आपने देखा होगा पत्थर ही पत्थर डाउन तरफ, क्योंकि वो कैमरा जो चेस्ट में माउंट था। फिर हमें मालूम पड़ा कि सारा गलत हो गया, क्योंकि हमें तो चेस्ट में माउंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो आपको अच्छा सा नज़ारा दिखाई देता। तो फिर हमने उसको चेंज किया,
ऊपर पहुँचते। 20 मिनट रस्सी में चढ़ने के बाद, हाइकिंग करने के बाद उस पत्थर के ऊपर से हमें थोड़ा रास्ता मिल गया, सही रास्ता चल के जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो रोक था वो लोग ने रस्सी, क्योंकि रस्सी से तो आसान हो जाएगा रास्ता पकड़ने के लिए, नहीं तो हम कहीं जंगल में खो जाएंगे। धड़कने बहुत तेज थी, ऐसा लगता है कि हमने हाई कार्डियो एक्सरसाइज करके आए। तो चलते चलते मैंने फ़ोन खोला चेक करने के लिए, क्योंकि फ़ोन में हम तो एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेक कर सकते कि हार्ट रेट क्या है। तो मैंने फ़ोन खोला चेक करने के लिए, अभी तो मेजर करेंगे क्योंकि फ़ोन में तो ऐप है और हार्ट रेट मीटर है, सेंसर है। चलो अभी मैं मेजर कर रहा हूँ, आप देखिए अभी मेजर हो रहा है, हाई है 147। ऐसा लगता है कि 3-4 किलोमीटर दौड़ लगा के आए, यानी धड़कन बहुत तेज है। चलो अभी तो आज का ऐसा लगता है कि आज का पूरा वर्कआउट हो गया, पूरा दिन का। चलते चलते हम नज़दीक पहुंच गए व्यू पॉइंट का, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा डाउन की तरफ जाना है, इतना मुश्किल नहीं है जितना वहाँ पे था चढ़ के आने का जितना। अभी यहीं पे है, आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी पिक्चर्स ले रहा है व्यू पॉइंट का। आपको मैंने बताया कि हम वहाँ से जब भी चल के आ रहे थे नीचे बीच में, तो ऊपर वो व्यू पॉइंट दिख रहा था, वो आप यहाँ से देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है वो बीच। यहाँ से तो ईस्ट और वेस्ट रैले और तोनसाई बीच, ये सारे पहाड़ सारे दिखते, बहुत अच्छे से व्यू है। यानी कि ये जो क्लाइंबिंग था वर्थ क्लाइंबिंग था। यहाँ पे हम कुछ देर रुकेंगे, फोटोज़ लेंगे और थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे लगून की तरफ। ऑलरेडी शाम का 3-4 बज चुके थे, शायद 5 बज के होगा, लेट हो जाएंगे हम लोग, जल्दी जाना पड़ेगा लगून की तरफ। लेकिन लगून का रास्ता तो ऐसे ही है जैसे हम क्लाइम करके आए थे, हमें शायद नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरा लेवल पे है और लगून बहुत नीचे है। आप देखिए हम ऐसे ही चढ़ के आए थे ऊपर और दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए कैसा था रास्ता, जो शायद आपने नहीं देखा होगा, देखो ऐसा रास्ता था जो हम चढ़ के आए थे। जब ऐसे ही चढ़ के हम नीचे जाएंगे लगून की तरफ, अगर अंधेरा होगा तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग इसके लिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मुश्किल का रास्ता है, बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं आस्ते आस्ते जाएंगे नीचे, रस्सी का तो सपोर्ट भी है और अंधेरा भी, अंधेरा हो रहा है हल्का हल्का सा जंगल के जंगल में। तो अभी लगून का रास्ता तो और नीचे है और दूर है, आपको तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है वो नीचे नीचे की तरफ ऑलरेडी जा चुका है। मैं चला जाऊंगा नीचे, फिर आगे जाके उसी रास्ते के डायरेक्शन में लगून के पास जाएंगे, देखेंगे लगून कैसा। रास्ता तो और मुश्किल था, हम यहाँ पहुँच गए तो ये वन में हो गया। रस्सी में जाना पड़ेगा तो, और रस्सी से ऊपर आने के लिए बहुत सारे लोग क्यू में खड़े थे। जब तक वो लोग ऊपर नहीं आएंगे तो हम नहीं जा पाएंगे नीचे, क्योंकि और नीचे जाने वाला, देखिए लगून तो उधर नीचे है। तो अभी ऑलरेडी तो जंगल में तो अंधेरा हो चुका है, तो शायद हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लोग आते आते तो बहुत टाइम होगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोगों ने उस प्लान को कैंसिल किया लगून विजिट करने का, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे हम थोड़ा लगून के बारे में बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ये जो टूरिस्ट था वो जर्मनी से था, वो जाके आ गया था नीचे, लेकिन पानी ना होने से उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि समर सीज़न में तो पानी तो नहीं होगा। क्रमे में विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से मार्च तक। हम लोगों ने थोड़ा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर किया, वो तो वहीं रैले में रहने वाला था, उसका होटल तो वहीं था, उसको कोई अर्जेंट नहीं था वापस जाने का, हमें तो अवनांग वापस जाना था। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से जाने के लिए निकले, क्योंकि हमें और नीचे जाना है और वहाँ जाके फिर प्रणाम क्यू की तरफ जाना है, वहाँ और एक बीच है उधर थोड़ा एक्सप्लोर करके आना वापस जाना है। टाइम तो बहुत जल्दी पास हो रहा था, तो हम लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये देखिए नीचे जाने का रास्ता, जैसा रस्सी पकड़ के हम ऊपर आए थे वैसे रस्सी पकड़ के अभी नीचे जाना पड़ेगा। रस्सी की मदद से हमें आस्ते आस्ते नीचे जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके नीचे जाने के बाद हम जाएंगे प्रणांग बीच, वहाँ पे जाके हमें सनसेट देखना है।
व्यू पॉइंट से आने के बाद हम निकल गए प्रणांग बीच। प्रणांग बीच पास ही में छोटा सा सुंदर सा बीच, और यहाँ पे केव भी है, प्रिंसेस केव, वो आपको हम दिखाएंगे अभी। प्रिंसेस केव के पास एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे ये लोग लिंग की पूजा करते हैं। ये पूजा क्यों करते हैं इसके बारे में एक लंबी कहानी है, कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आपको रॉक क्लाइंबिंग करना है तो रायले बीच ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रणांग के बीच के पास रॉक क्लाइंबिंग है और आपको कोई भी टूर ऑपरेटर इस पैकेज को प्रोवाइड करेगा जिसमें आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो। यहाँ आके आप देख सकते हो जो लाल रंग में जो बंदा है ऊपर चढ़ चुका है, ये है रॉक क्लाइंबिंग का नज़ारा। ये जगह इतना सुंदर है कि हम भूल गए कि हमें वापस जाना है, हमें तो वापस आनंग जाना है। अभी हम लेट हो जाएंगे तो फिर हमारा बोट छूट जाएगा। थोड़ी देर हम देखेंगे सनसेट, उसके बाद हम चलेंगे आनंग बीच। रायले बीच का ट्रिप ख़त्म करके हम वापस पहुंच गए आनंग बीच, क्योंकि डिनर का प्लान था आनंग बीच में। डिनर के लिए हमें इनवाइट किया था पुराना दोस्त ने जो आनंग में पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट चलाता है, ये उसका रेस्टोरेंट का मेनू है। चलो हम उससे अभी मुलाकात करेंगे। हेलो सोनू, हेलो, लॉन्ग टाइम, कैसे हो? बढ़िया। चलो मैं आपको उसका रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। इसके पास बहुत सारे वाइन के कलेक्शंस पड़े हैं, हर जगह वाइन ही वाइन नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा का और थाई फूड का, इसने इसको बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट किया हुआ है। इस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा फायर वुड ओवन वाला पिज़्ज़ा जो बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। ये देखिए फायरवुड ओवन जो सिंगल टू तंदूरी होता है, इसके अंदर वो आग जलती रहती है लकड़ से और पिज़्ज़ा बनाएंगे इसके अंदर। अगर आप आनंग विजिट कर रहे हो तो इस रेस्टोरेंट में आप ज़रूर पिज़्ज़ा का टेस्ट कीजिए। इस रेस्टोरेंट का डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये लोग कैसा बियर को सर्व करते हैं, यानी कि ग्लास को फ्रीज़र में रख के लेके आए, यानी इसको फ्रोज किया और प्लस ठंडी वाली बियर, यानी ठंडा बियर प्लस फ्रोजन ग्लास। हम पी रहे हैं थाई ओरिजिनल बियर सिंगा बियर, ये फ्रोजन ग्लास में मस्त टेस्ट करती है। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में तो हमें पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़ा तो बहुत बड़ा था, अगर हम दो ऑर्डर करेंगे तो पूरा नहीं खा पाएंगे। तो अंडी को खाना था सलामी और मुझे खाना था चिकन बारबेक्यू। तो सोनू भाई ने इसको क्या किया, कस्टमाइज़ किया, आधा बनाया सलामी आधा बनाया चिकन बारबेक्यू, हमारे लिए स्पेशल कस्टमाइज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का क्या हमारा पेट भर गया था, फिर भी सोनू भाई ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, उसने ज़बरदस्ती खिलाया स्टेक, सलमान स्टेक। पूरा दिन का बाग दौड़ और माउंटेन क्लाइंबिंग ये सब में हमारा पूरा गैलरीज बर्न हुए थे, सारा गैलरीज वापस आ गया हमारी बॉडी में। हमारा फर्स्ट डे ट्रिप ख़त्म हो गया आनंग में। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और आप देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड कायाकिंग के बारे में, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।